लूका रचित सुसमाचार अध्याय एक। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इसराइलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हों लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। लोग जकरयाह की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। उन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत
गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न और देख तू गर्भवती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती है छठवा महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरियाह के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है, क्योंकि देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उनसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं,
वरन उसका नाम यहुन्ना रखा जाएगा, क्योंकि उसने कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यहुन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और यह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकर्याह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा को स्मरण करें। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हमें अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता के जीवन भर निडर रह के उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा और उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पांवों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इसराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। अध्याय 2। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए, अतः यीशुफ ही, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने
वह बात जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गढ़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गढ़िये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने के पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इसराइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु की मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए और उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहने लगा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सम्मोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी, और वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम में के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसकी माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए, और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों के में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उनकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता से उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बातें उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में
बढ़ता गया। अध्याय 3। तिबरियुस कैसर के राज के 15वें वर्ष में जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतुरैया और त्रखोनीतीश में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यहुन्ना के पास पहुंचा। वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास दो कुर्ते हैं वह उनके साथ, जिसके पास नहीं है बांट लें और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने मन में यहुन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यहुन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यहुन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यीशु का पुत्र था, और वह एली का और वह मत्तात का और वह लेवी का और वह मलकी का और वह एन्ना का और वह यशु का और वह मतिया का और वह आमोश का और वह नहूम का और वह असल्याह का और वह नोगह का और वह मात का और वह मत्या का और वह सिमी का और वह योसेक का और वह योदाह का और वह यहुन्ना का और वह रेशा का और वह जरुब्बाबेल का और वह शालतियेल का और वह नेरी का और वह मलकी का और वह अदी का और वह कोशाम का और वह एलमोदाम का और वह एर का
और वह यीशु का और वह एलायजर का और वह योराम का और वह मत्ताह का, वह लेवी का और वह शमौन का और वह यहूदा का और वह यशुफ का और वह योनान का और वह एलियाकीम का, वह मल्याह का और वह मिन्नाह का, वह मत्ताह का, वह नातान का और वह दाऊद का, और वह ईशे का और वह ओबेद का और वह बूवस का और वह शलमोन का और वह नहशोन का और वह अमीनादाब का और वह अर्नी का और वह हिशोन का और वह फिरिस का और वह यहूदा का और वह याकूब का और वह इशहा का और वह अब्राहम का और वह तीरह का और वह नहर का और वह शरूक का और वह रऊ का और वह फिलिक का और वह एबिर का और वह शिले का और वह केनान का और वह अरफ छद्र का और वह शेम का और वह नू का और वह लिमिक का और वह मतशिल्लाह का और वह हनूक का और वह एरित का और वह महलील का और वह केनान का और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। अध्याय 4। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उसका अवैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि और दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यीशु का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा,
तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इसराइल में बहुत सी कूढ़ी थी, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसकी उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। जब दुष्ट आत्माएं उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बात करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। अध्याय 5। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं कि डूबने लगी। ये देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे
तू मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहे, परंतु जा के अपने आप को याचक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनु में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और तुरंत उनके सामने उठा वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत ही डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चिंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उन्होंने उनसे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है उपवास करा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएंगे और मशकें भी नष्ट हो जाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है।